पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है सईद आमिर हैदर कमाल नकवी की, जिन्हें पूरी दुनिया कमाल अमरोही के नाम से जानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिछले जन्म में मैंने ही ये महल बनवाया हो और वो अधूरी मोहब्बत की हो, जिसे मुकम्मल करने के लिए अपने इस जन्म में मैं यहाँ आ गया। ये महज एक इत्तेफाक है। जिनका जन्म हुआ 17 जनवरी सन 1918 में। ये बात भी बड़ी निराली है कि कैसे कमाल अमरोही साहब लेखन की तरफ बढ़े और आगे जाकर फिल्मों में बतौर डायलॉग राइटर और फिल्मों के डायरेक्टर बने। बात उस वक्त की है जब कमाल अमरोही साहब बहुत छोटे थे। इनके परिवार में एक शादी थी और इस शादी में ये बड़ी शरारत कर रहे थे। इनके बड़े भाई बड़े खफा हुए और एक जोरदार तमाचा कमाल साहब को रसीद किया। उस झापड़ के बाद इन्हें इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि तकरीबन 3 दिनों तक इन्होंने खाने को हाथ न लगाया और 4th दिन अपनी बहन का चांदी का कड़ा लेकर ये लाहौर चले गए। 2-1 दिन वहाँ पर ये भूखे प्यासे रहे और तब एक पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे। ओरिएंटल कॉलेज के जर्मन प्रिंसिपल और उनकी शरीक हयात ने कमाल साहब को बैठे देखा और इनसे बातचीत शुरू की। नौजवान कमाल अमरोही ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और प्रिंसिपल दंपति की वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी के ये टॉपर रहे। ये वो वक्त भी था जब इन्होंने शायरी की शुरुआत कर दी थी। इनके लिखे लेख और कहानियाँ अक्सर मैगजीन्स में छपा करती थीं। लड़का बहुत होशियार है। ये बात भी गौर करने लायक है कि एल सहगल साहब ने कमाल अमरोही साहब का तारुफ करवाया अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर सोहराब मोदी से। जब पहली मर्तबा कमाल अमरोही साहब सोहराब मोदी के सामने पहुंचे तो सोहराब मोदी साहब कमाल अमरोही को देखते ही रह गए और कुछ देर के बाद कमाल साहब ने कहा कि मोदी साहब, मैं देखने की नहीं, मैं सुनने की चीज़ हूँ। मेरे पास एक स्क्रीन प्ले है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और धीरे धीरे इन्होंने वो स्क्रीन प्ले पढ़ना शुरू किया। सोहराब मोदी साहब इस नौजवान के हुनर से बड़े मुतासिर हुए और इस तरह से कमाल साहब ने फिल्म पुकार लिखी। उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा। फिल्म पुकार बड़ी मकबूल हुई। आगे जाकर के आसिफ साहब की फिल्म मुगले आजम में ये बतौर डायलॉग राइटर काम करने लगे। फिल्म मुगले आजम को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड भी मिला था। कमाल अमरोही साहब 40 की दहाई में काफी अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने फिल्म जेलर, पुकार, भरोसा में काम किया और उसके बाद ए.आर. करदार की फिल्म शाहजहां के लिए भी इन्होंने काम किया। और सन 1949 में आई फिल्म महल को कौन भूल सकता है, जिसने मधुबाला को एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। तो तुम मुझे मालन के रूप में देखकर बदलते नहीं जाओगे? मालन तो क्या, मैं तुम्हें एक नागन के रूप में भी हासिल करने के लिए तैयार हूँ। ये बात भी गौर करने लायक है कि कमाल साहब फिल्म बनाना चाहते थे अनारकली, जिसकी हीरोइन मीना कुमारी चुनी गई थीं। मीना कुमारी का एक्सीडेंट हुआ और वो इस फिल्म में काम न कर सकती थीं और कमाल साहब ने हॉस्पिटल में मीना कुमारी के हाथ पे लिखा था, मेरी अनारकली। वो फिल्म तो ना बनी लेकिन का प्यार आगे बढ़ा। 1953 में इन्होंने फिल्म बनाई दायरा। ये फिल्म मीना कुमारी और कमाल साहब के निजी जीवन से प्रेरित थी। फिल्म दायरा बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ना दिखा पाई लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही की जोड़ी इतना आगे बढ़ी कि आगे जाकर ये शादी के बंधन में बंध गए। जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही साहब अलग हुए और धीरे धीरे कमाल साहब जब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने लगे, तब इन्होंने 4th विवाह किया। वो भी इसलिए कि कोई होगा जो इनकी देखरेख कर सकेगा। इस बात पर भी गौर करना होगा कि कमाल अमरोही साहब ने 4 बार निकाह किया। इनकी पहली बीवी का नाम था बिल्किस बानो, दूसरी साइदा अल जहरा महमूदी और तीसरी रहीम मीना कुमारी। 4थी बीवी के मुतालिक ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके 3 बच्चे हुए, बेटे शानदार और ताजदार और एक बेटी हुई जिसका नाम रखा रुखसार। इनके बेटे शानदार अमरोही का इंतकाल हुआ 21 अगस्त सन 2011 में। आगे जाकर इनके पोते मशहूर अमरोही और बिलाल अमरोही भी अभिनेता बने। कमाल अमरोही साहब ने फिल्म पाकिजा का निर्माण भी शुरू किया पर यह फिल्म रिश्ते में आई तलखियों की वजह से रुक गई। फिल्म पाकिजा कमाल साहब के जहन में सन 1958 में ही आ गई थी।
पर अफसोस की बात है कि 70 की दहाई में जाकर यह फिल्म मुकम्मल हुई। हालांकि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई पर मीना कुमारी की आखिरी फिल्मों में से एक फिल्म मानी गई क्योंकि उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। कमाल अमरोही साहब ने जो भी काम किया बड़ा ही बुलंद पाया काम किया। इनकी बनाई फिल्म रजिया सुल्तान को कौन भूल सकता है। 1958 के करीब ही कमाल स्टूडियोज की तैयारी शुरू कर दी थी और आगे जाकर इन्होंने कमालिस्तान स्टूडियो बनाया भी। कमाल अमरोही साहब बहुत सी फिल्में बनाना चाहते थे। राजेश खन्ना साहब, राज कपूर साहब और राखी गुलजार जी को लेकर भी ये बनाना चाहते थे फिल्म बाज बहादुर रूपमती। कमाल की बात यह है कि राजेश खन्ना साहब के ससुर साहब चुनी भाई कपाड़िया इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। दो गाने भी रिकॉर्ड हुए, कुछ सीन्स शूट भी किए गए लेकिन बाद में ये फिल्म भी डिब्बे में बंद हो गई। कमाल साहब को एक लंबा जीवन मिला, बड़ी शोहरत मिली, बड़ी मकबूलियत हासिल की, पैसा भी कमाया और लंबी बीमारी के बाद 11 फरवरी 1993 में इनका इंतकाल हो गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर को जिन लोगों ने मजबूती दी उनमें से एक रहे कमाल साहब। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाल अमरोही जैसा ना कोई था और ना ही कोई और होगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।